हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एरे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें इनपुट में एक एरे दिया होगा और उसमें हमें बताना है कि उस एरे को हमें सॉर्ट करने में कितने एलिमेंट्स को स्वैप करना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला टेस्ट केस लेते हैं। अगर हम इस वाले टेस्ट केस में देखें तो हमारा हमें अगर हम सॉर्टेड एरे देखें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स को स्वैप करें ताकि वो सारे अपनी सही पोजीशन पे आ जाएं। अब देखो, 5 और 2 जो हैं ये स्वैप करने होंगे। अगर इनको स्वैप कर देंगे तो ये सही पोजीशन पे आ जाएंगे, ये और ये, यानी ये और ये। तो क्या करेंगे हम, 5 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 5 आ जाएगा, तो एक स्वैप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 और 3 स्वैप हो जाएंगे, तो 3 और 4, यानी यहाँ पे 2 स्वैप्स होंगे। और देखो यहाँ पे हमारा एरे सॉर्टेड हो गया। तो बेसिकली हमें बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए होंगे एरे को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें एक सॉर्टेड एरे पता होना चाहिए, है ना। इस एरे का सॉर्टेड वर्जन पता होना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कोई एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे ऑलरेडी पड़ा है या नहीं। जैसे कि सपोज़ ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एरे, और एक हमने खुद ने एरे बना लिया टेम्प, ठीक है। ये टेम्प जो है हमने, वो ए का सॉर्टेड वर्जन है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने कंपेयर किया कि arr ऑफ i जो है, यानी ये इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4। हमने देखा कि arr ऑफ i जो है, क्या वो temp ऑफ i के इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो मतलब वो एलिमेंट अपनी सही जगह पे है, नहीं ये सॉर्टेड वाला है और ये हमें जो दिया हुआ है। अब अगर 1 और 1 देखो, 1 और 1 अपनी सही जगह पे, तो हमें करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये ए आर आर ऑफ आई टेम्प आई और टेम्प ऑफ आई बराबर है तो हम अगले पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए आर आर ऑफ आई तो 5 है और टेम्प ऑफ आई है 2, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब हमें यहाँ स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ बराबर ना आए मतलब वहाँ स्वैप करना होगा। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे आंसर, ठीक है, एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई एलिमेंट बराबर ना मिले, टेम्प ऑफ आई और ए आर ऑफ आई इक्वल ना हो, मतलब स्वैप की ज़रूरत है, तो हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब स्वैप कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 5 की जगह 2 आ जाए, और 2 की जगह फिर ऑब्वियसली अगर 5 की जगह 2 आएगा तो 2 की जगह 5 चला जाएगा, यहाँ पे 5, यानी यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे ही तो चाहते हैं, है ना। तो हम क्या करें, पहले तो ना हमें, यानी कि जो 1 इंडेक्स पे है, जो भी 1 इंडेक्स पे है ना, हमें उसको इस इंडेक्स, हमें उसको इस इंडेक्स से स्वैप करना है। पर दिक्कत ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि ये हमारा आई है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आई है, पर यहाँ पे और करेक्ट, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे करेक्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो करेक्ट इंडेक्स है, ये जो करेक्ट एलिमेंट है, ये यहाँ पे कहाँ पड़ा है इस ए या ए आई एरे में। या तो तुम फिर से ट्रैवर्स करके उसका एरे इंडेक्स ढूंढो, तो ये तो बेफजूल होगा ना जाना, ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाएगा, दोबारा सर्च करो, वो काम नहीं हम करेंगे। तो इसको काम को करने के लिए हम एक हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप में क्या होगा, हैश मैप में इस जो ए जो एरे है हमारा, उसमें हर एलिमेंट, जैसे 1 एलिमेंट है, वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, जो 1 है वो हमारा किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। जो हमारा 5 है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 4 जो है वो हमारा 2 इंडेक्स पे है,
और जो 3 है वो हमारा 3 इंडेक्स पे ही है, और जो 2 है वो हमारा 4 इंडेक्स पे है। तो ये हमारा इंडेक्स है और ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अब काम आसान हो जाएगा। देखो हमें क्या पता करना था, हमें करना था 5 को स्वैप करना था 2 से, क्योंकि 2 से क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे करेक्ट जो आना चाहिए वो 2 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो करेक्ट वाला है उसका इंडेक्स ढूंढेंगे, इसका इंडेक्स ढूंढेंगे हम कि ए, ये ए या ए एरे में कहाँ पड़ा हुआ। इंडेक्स कैसे ढूंढेंगे हम, ये मैप यूज़ करेंगे। 2 कहाँ पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है 4 इंडेक्स पे। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आई जो इंडेक्स है हमने क्या करना है, हमने स्वैप करना है जो भी हमारे आई इंडेक्स पे पड़ा है, और जो हमारा जो ये हमारे मैप है, ये मैप ले लेते हैं, मैप के जो भी 2 पे पड़े, 2 जो जहाँ पे 2 है ना। और 2 कैसे पता लगेगा हमें, जो टेम्प ऑफ आई पे पड़ा हुआ, यानी जो टेम्प ऑफ आई पे एलिमेंट है, टेम्प ऑफ आई पे जो भी एलिमेंट पड़ा है, ये जो पड़ा है एलिमेंट, इसका इंडेक्स क्या है यहाँ पे ए एरे में, उसका इंडेक्स जो टेम्प ऑफ आई क्या है हमारा 2, तो एम ऑफ 2 क्या है, एम ऑफ 2 क्या है 4, यानी वो 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये देखो 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, आई को यानी 1 इंडेक्स को, जो भी 1 इंडेक्स पे पड़ा है उसको 4 इंडेक्स के साथ स्वैप कर देना। तो देखो ये स्वैप हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब तुम देखोगे अब एरे जो हमारे इंडेक्सेस है वो अपडेट होगा। अब जो हमारा 2 है, जो हमारा 5 है, जैसे 5 ले लो, जो हमारा 5 है वो हमारा 1 इंडेक्स पे नहीं पड़ा हुआ, अब वो हमारे 4 इंडेक्स पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें अभी अपडेट करना है। तो हम करेंगे कि जो भी 5 है उसका जो इंडेक्स है वो अपडेट कर दो 2 के, जहाँ पे 2 पड़ा था। अब 2 कहाँ पड़ा था, 2 पड़ा था यहाँ पर, यानी कि जो हमारा एक, हम पहले क्या करेंगे, हम एक इनिट वेरिएबल लेंगे, हम उसमें ए आर आर ऑफ आई स्टोर करा लेंगे, क्योंकि जब हम स्वैप कर देंगे तो ये हमारा 5 लॉस्ट हो जाएगा ना। तो पहले हम उसको ना स्टोर करा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे एम ऑफ जो भी इनिट है, इनिट में 5 है, जो भी हमारा एम ऑफ इनिट है यानी 5 के ये इंडेक्स को हमें अपडेट करने। अब इस पे क्या आएगा, जो हमारे 2 का इंडेक्स था, यानी हमारे टेम्प ऑफ आई का जो भी था इंडेक्स मैप में, अब वो हमारे एम ऑफ इनिट में डाल दो, यानी अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने 5 का इंडेक्स तो कर दिया अपडेट, अब ये वाले 2 का इंडेक्स डालना है। तो अब ये 2 कहाँ पे आया, ये हमारे आई पे आ गया, यानी कि टेम्प ऑफ आई जो है, टेम्प ऑफ आई हमारा 2 है, ये देखो टेम्प ऑफ आई हमारा 2 है, इसको इसके ये जो भी इंडेक्स पड़े मैप में उसमें क्या डाल दो, हमारा आई, यानी 2 जो है वहाँ पे डाल दो हमारा आई, आई के 1 1। तो इस तरह हमने मैप अपडेट कर दिया। तो बस यही स्टेप्स करने हैं, देखो बहुत आसान है। क्या किया हमने बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्वैप किया, जो भी हमारा करंट इंडेक्स है आई उसको हमें स्वैप करना है जो हमारा करेक्ट एलिमेंट है उसके इंडेक्स से। करेक्ट एलिमेंट का इंडेक्स किसे आएगा, करेक्ट एलिमेंट टेम्प ऑफ आई में पड़ा होगा, और टेम्प ऑफ आई का इंडेक्स हमें मैप से मिल जाएगा, ठीक है। उनको हमें स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद हमें उन दोनों एलिमेंट्स के भी इंडेक्सेस को अपडेट करना है मैप में। अपडेट करने से पहले हम जो है हमारा इनिट जो है ना, इनिट में ये सब स्वैप करने से पहले जो हमारा ए आर आर ऑफ आई होगा ना, उसको हम इनिट वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ताकि वो जो एलिमेंट है वो लॉस ना हो। फिर उसके बाद उस एलिमेंट का इंडेक्स अपडेट कर देंगे ये वाले इंडेक्स से, जिसको जिससे हमने स्वैप किया था, क्योंकि अब वो उस पर आ गया। और जो ये वाले एलिमेंट, जो यहाँ पे एलिमेंट पड़ा है उसका जो होगा टेम्प ऑफ आई पे जो भी पड़ा है हमारा एलिमेंट, उसका जो इंडेक्स होगा वो हमारा आई होगा। तो अब यही हमें काम करते हैं, यहाँ पे करते ट्राई। अब हमारा आई आ गया यहाँ पे,
अब 3 और 4 मैच नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है, 4 और 3 को स्वैप करना है, यानी कि आई स्वैप करना है, हमें स्वैप करना है जो भी आई पे पड़ा है, आई इंडेक्स पे, आई इंडेक्स को 2, और किससे स्वैप करना है। अब हमारे आई इंडेक्स पे 4 पड़ा है, पर यहाँ पे करेक्ट क्या आना चाहिए था, 3। 3 का इंडेक्स कहाँ है, 3 का 3 कहाँ पे पड़ा है हमारे ए एरे में, 3 हमारा पड़ा है थर्ड इंडेक्स पे, ये देखो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है, हमें इन दोनों को स्वैप करना है, यानी कि जो भी हमारे आई इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है, 2, हमारे आई इंडेक्स से जो है 2, और जो हमारा टेम्प ऑफ आई 3, एम ऑफ 3 है 3, यानी इन दोनों को स्वैप कर दिया, इन दोनों इंडेक्सेस को, तो हमारा आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ आ गया हमारा 4। अब हमारा इंडेक्स भी अपडेट हो गया, पर उससे पहले हमने इनिट में ए आर आर ऑफ आई डाल लिया था, ए आर आर ऑफ आई क्या था हमारा 4। अब हमने क्या करना है, अपने एम ऑफ 4 में, एम ऑफ इनिट में अपडेटेड इंडेक्स डाल देना है, तो 4 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, अब ये वाला जिस जहाँ पे हमने स्वैप किया, यानी कि 3, ये वाला, यानी यहाँ पे 4 के इंडेक्स बन जाएगा 3, और जो हमारा टेम्प ऑफ आई है, टेम्प ऑफ आई क्या था हमारा 3, अब उसका जो अपडेटेड इंडेक्स होगा वो हमारा क्या होगा, अब 3 यहाँ पे आया हमारे आई पे, आई के हमारा 2, तो यानी यहाँ 3 की जगह यहाँ पे आ गया 2। तो अब देखो तुम, यहाँ पे ये हो गया स्वैप, आई आगे जाएगा, 4 और 4 बराबर, आई आगे जाएगा, 5 और 5 बराबर, हमारा एरे खत्म। तो बेसिकली इस तरह हमने, ये हमारे मेन 3 स्टेप्स हैं, पहले स्वैप करना, ठीक है, फिर स्वैप करने से पहले ये इनिट में एरे ए आर और फाइव डालना मत भूलना, फिर स्वैप करना है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हमने स्वैप किया उनके इंडेक्सेस भी अपडेट हो गए हैं, तो अपडेट कर देने मैप में, बस इतना सा काम था। तो एक काम करते हैं, कोड देख लेते हैं, कोड बहुत सिंपल है, मेन फंक्शन बनाया है, उसमें ये एरे ले लिया 15432। इसमें हमने देखा था कि हमारे स्वैप्स कितने आ रहे थे, हमारे स्वैप्स आए थे 2, है ना, 2 स्वैप्स आए थे हमारे। तो देखते हैं, हमने एन ले लिया और ये फंक्शन कॉल कर दिया मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स, ठीक है, और इस मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ए आर आर ऑफ आई ले रहे हैं और एन ले रहे हैं, एक स्वैप नाम का फंक्शन बना दिया जो हमारा एरे लेगा और आई जे लेगा जो भी इंडेक्सेस को स्वैप करना है, और स्वैप कर देगा, और एरे हम रेफरेंस से ले रहे हैं ताकि जो भी चेंजेस यहाँ पे हों वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स फंक्शन है, उसमें आंसर ले लिया जो हमारा स्वैप्स करेगा स्टोर, और ये रिटर्न कराएंगे हम आंसर, एक मैप ले लेंगे और एक टेम्प ले लेंगे जिसमें ए आर आर को डाल के टेम्प को सॉर्ट कर देंगे, हमारा टेम्प जो था ये हमारा टेम्प था ना सॉर्टेड वाला, जिससे हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा टेम्प था और ये हमारा क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, ठीक है, सॉर्ट कर दिया टेम्प को, और यहाँ पे हम मैप में हर एलिमेंट का उसका ए आर आर में जो भी इंडेक्स है वो डाल रहे हैं, यानी कि ये बना रहे हैं कि ए आर आर में जैसे 1 कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 5 कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, तो ये हम बना रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लूप शुरू किया, अगर तो हमने यहाँ पे देखा था, अगर तो हमारे एलिमेंट सेम है मतलब हमारा सही जगह पे है तो कुछ करना ही नहीं, अगर लाइक ये एलिमेंट्स नॉट इक्वल है, ए आर आर ऑफ आई टेम्प ऑफ आई के इक्वल नहीं है, तो हमें कुछ काम करना है। तो काम करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, आंस को अपडेट कर देंगे, ठीक है, आंस को 1 इंक्रीज कर देंगे और इनिट में स्टोर करा देंगे करेंट एलिमेंट। अब यहाँ ध्यान देना, पहला स्टेप करेंगे हम स्वैप करना, आई इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसको स्वैप करना है जो हमारा करेक्ट एलिमेंट है उसके इंडेक्स से, तो वो है एम ऑफ टेम्प ऑफ आई, वो कर दिया स्वैप। अब यहाँ पे इंडेक्सेस अपडेट कर रहे हैं, इनिट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या बनेगा, अब उसका इंडेक्स बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और जो हमारा टेम्प ऑफ आई था उसका अब इंडेक्स क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि अब वो आई पे आ गया। तो बस ये करने के बाद ये हमारा लूप चल जाएगा और उसके बाद हमारे आंसर में हमारे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आ जाए। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम का लॉजिक और अप्रोच समझ आई है,
कोड भी समझ आ गया होगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं सॉर्ट, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो इस क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ये जो मैप ले रहे हैं और ये टेम्प भी बना रहे हैं, तो दोनों का साइज़ जो होगा वो एन ही होगा। तो हमारी जो है स्पेस ओ ऑफ एन, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़, और अगली वीडियो में मिलते हैं।